दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं रायपुर के महामाया मंदिर में। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं मंदिर। ये मंदिर बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में लोग जस गीत की शूटिंग के लिए भी अक्सर आते हैं। सुआ नाचे सातों बहिनियाँ छत्तीसगढ़ी गीत की शूटिंग भी इसी मंदिर में किया गया था। मंदिर में यहाँ पर स्पेस जो दिख रहा है, यहाँ पे श्रीमद् भागवत या फिर शिविर वगैरह का आयोजन किया जाता है। काफ़ी बड़ा मंदिर है और बहुत ही प्रचलित भी है। मंदिर में एंटर होते ही माता की मूर्ति सामने ही दिखाई देती है और सबसे ऊपर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी की मूर्ति भी विराजमान है। माँ महामाया की जस्ट अपोजिट दोनों साइड में भैरवनाथ की भी मूर्ति यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कहा जाता है कि महामाया देवी का दर्शन करने के बाद अगर भैरवनाथ का दर्शन ना हुआ तो दर्शन अधूरा माना जाता है। इसीलिए माता की मूर्ति का दर्शन करने के बाद हमें भैरवनाथ की भी दर्शन करने चाहिए, तभी दर्शन सफल माना जाता है। बोलो महामाया माता की जय। तो फाइनली दोस्तों, ये है माता रानी की मूर्ति। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और अब मैं आपको माता की परिक्रमा करते हुए और भी सुंदर सुंदर मूर्तियों का दर्शन कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो परिक्रमा करते हुए यहाँ पर है चरणामृत। और अब देखिए, बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ देवी देवताओं की लगी हुई हैं, जिसमें राम, लखन, सीता और बजरंगबली, काफ़ी सारी देवी देवताओं की यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर नव दुर्गा की भी तस्वीरें एक साथ लगाई गई हैं, जो काफ़ी मनमोहक दृश्य लगती हैं देखने में और बहुत ही शांति और सुख का अनुभव होता है यहाँ पर बैठकर इन्हें निहारने में। और साथ ही कृष्ण जी का विराट रूप भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बहुत ही सुंदर कारीगर यहाँ पर किया गया है। और अब दर्शन कर लेते हैं माता दुर्गा का विराट रूप। जय माँ दुर्गा। और यहाँ पर है मन्नत स्थल। यहाँ पर मन्नत के नारियल बांधे जाते हैं। और अब दर्शन कर लेते हैं शिव जी का। जय हो भोलेनाथ, जय हो काल भैरवनाथ, जय हो बटुक भैरवनाथ।